अपोजिशन ने तहरीके अदम एतमाद का मुसवदा तैयार कर लिया। 80 से ज्यादा अरकान के दस्तखत, मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। मुआशी बहरानों से निकालने का कोई रोड मैप नहीं। कायदे ऐबान अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। मुजवजा मुसवदा सामने आ गया। तहरीक दम एतमाद महंगाई के सताए अवाम के लिए असल रिलीफ। लोग लुटेरे हुक्मरानों से निजात चाहते हैं। घी और ऑयल महंगा होने से 10 रुपए पेट्रोल की कमी वापस हो चुकी। झूठे हुकूमती पैकेजेस का बोझ भी अवाम को उठाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ। तहरीक इंसाफ में कोई तरीन ग्रुप नहीं। पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का ही ग्रुप है। हमारे अराकीन असेंबली अपने मौकिफ पर डटे रहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। जर और जरदारी की ताकत किसी को नहीं खरीद सकेगी। शाह महमूद कुरैशी तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के लिए पुरुमेद। हुकूमत को हटाने के लिए अदम एतमाद ही जमहूरी तरीका। इमरान खान के बाद महदूद मुद्दत का सेटअप आएगा। वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ को वोट देना पीपल्स पार्टी के लिए कड़ा टास्क है। मुल्की मफाद में शॉर्ट टर्म के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार हैं। काफ लीग मुफ्त में वोट नहीं देगी, इन्हें बेहतर पेशकश देनी चाहिए। कौन कौन राबते में है, मुनासिब वक्त पर नाम सामने लाएंगे। बिलावल भुट्टो। हुकूमत गिराने के लिए पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का पांचवा रोज। शहर शहर पार्टी परचमों की बहार, जियालों का जोशो खरोश दीदनी। बिलावल भुट्टो की क्यादत में अवामी मार्च आज अहमदपुर शरकिया, बहावलपुर लोथरा से होता हुआ मुल्तान पहुंचेगा। तब्दीली सरकार लॉन्ग मार्च से घबरा गई। रास्तों में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। हर मजाहमती सियासत का सामना करेंगे। कोशिश है हुकूमत खुद ही मुस्ताफी हो जाए। पीडीए वाले सिंध में खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं। शेरी रहमान। तरीके इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च रवान दवा। शाह महमूद कुरैशी और हलीम आदिल शेख की क्यादत में शुराका का आज मीरपुर खास से बदीन का सफर। थर पार कर समेत कई शहरों में इस्तकबालिया कैंप कायम। बदीन में जलसे की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलानात बहरूपीय की नई शोभदाबाजी। इमरान साहिब, झूठ का नया दौर आपकी कुर्सी नहीं बचा सकता। तहरीक अदम एतमाद गिरती हुई दीवार के लिए आखिरी धक्का साबित होगी। अवाम अब आपके धोखे में नहीं आएंगे। मरियम औरंग से। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए बंद। कल सुबह 8 बजे से पीर की सुबह 8 बजे तक गैस की सप्लाई मुअत्तल रहेगी। सुई सदरन गैस। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, ओकाड़ा, झंग समेत कई शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। 24 घंटों के दौरान शिमाल मशरकी पंजाब में मजीद बादल बरसने का इम्कान। और 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना खुशाएं। कॉमी स्क्वाड मजबूत, रावलपिंडी में फास्ट बॉलर को मदद मिलती है। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पूरा जुम्म। 3 फास्ट बॉलर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान से भरपूर मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान।